नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप पेपर वाइज और टॉपिक वाइज एडिटोरियल के आर्टिकल्स की वीडियोस को देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कोर्सेज के बारे में। आप video.onlyis.in पर जाके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस कोर्स, करंट अफेयर सीरीज, मेंस बूस्टर प्रोग्राम। और अगर आपको कोई डाउट हो इन कोर्सेज से संबंधित तो आप अपना डाउट सेंड कर सकते हो onlyis@gmail.com पर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल मसूद अजहर के इशू पर चाइना के स्टैंड के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, पिछले काफी समय से इंडिया कोशिश कर रहा था कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट का डेजिग्नेशन दे, लेकिन चाइना अपनी वीटो का इस्तेमाल कर लेता था। जैसे ही पुलवामा में हमला हुआ और हमारे 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए, तो एक बार फिर से हमने प्रयास करना स्टार्ट कर दिए कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल मसूद अजहर, जिसकी ऑर्गेनाइजेशन इस अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, उसको ग्लोबल टेररिस्ट का डेजिग्नेशन दिया जाए। लेकिन चाइना ने फिर से वीटो का इस्तेमाल कर लिया। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले चाइना ने अपने स्टैंड में बदलाव किया और वीटो का इस्तेमाल नहीं किया, यानी अब मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट का डेजिग्नेशन दिया जा चुका है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार चाइना ने अपना स्टैंड क्यों चेंज किया, चाइना ने इस बार वीटो का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तो इसके पीछे राइटर काफ़ी सारे रीजंस देते हैं। राइटर कहते हैं, देखो, इंडो पैसिफिक रीजन में यूएसए और चाइना के बीच ऑलरेडी काफ़ी सारी टेंशंस देखने को मिल रही हैं। अगर चाइना इस इशू पर अपने स्टैंड में बदलाव नहीं करता तो इंडिया यूएसए के और करीब चला जाता, जो कि चाइना नहीं चाहता था। क्योंकि देखो, पुलवामा अटैक के बाद ये इंडिया में एक इमोशनल इशू बन गया था। चाइना को भी इस बात का पता था कि इंडिया में चाइना के खिलाफ जो नफरत है वो बढ़ती जा रही है, और चाइना ये नहीं चाहता था। इसी वजह से चाइना ने अपना स्टैंड चेंज किया। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट राइटर के द्वारा ये दिया जाता है, देखो, यूएसए, फ्रांस, ये सब देश यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में ये इस इशू को और ज़्यादा जोर से उठाने वाले थे। तो जब ये इशू और ज़्यादा हाईलाइट होता तो चाइना को और ज़्यादा कन्विंसिंग रीजंस देने पड़ते कि वो क्यों वीटो का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्यों नहीं चाहते कि मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट का दर्जा दिया जाए। और चाइना के पास कन्विंसिंग रीजंस थे नहीं। वर्ल्ड में चाइना की काफ़ी बेइज्जती होती कि चाइना जैसा बड़ा देश कैसे टेररिज्म को प्रमोट कर सकता है, तो ये भी एक फैक्टर है। इसके बाद तीसरा पॉइंट राइटर के द्वारा ये दिया जाता है, देखो, चाइना ये भी नहीं चाहता था कि इस इशू पर यूके, फ्रांस और यूएसए इंडिया की वाहवाही लूट जाए कि हाँ भाई, हमने आपकी मदद की है मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट का डेजिग्नेशन दिलवाने में। इसके बजाय चाइना ये चाहता था कि हम अपना स्टैंड में बदलाव कर लें और इंडिया को एक प्रकार से संकेत दें कि हम इंडिया के साथ रिलेशंस इंप्रूव करना चाहते हैं। लेकिन देखो, एक क्वेश्चन ये भी खड़ा हो जाता है कि पुलवामा अटैक के तुरंत बाद जब इंडिया ने कोशिश की थी मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट का डेजिग्नेशन दिलवाने की, तो उस समय चाइना ने रुकावट क्यों डाली। इसका आंसर देखो ये है, उस समय माहौल गर्म था और चाइना पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती निभाना चाहता था। हालांकि चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती में अभी बिल्कुल भी कमी नहीं आई है, लेकिन इंडिया के पास जितने भी लिवरेज हैं वो इंडिया को इस्तेमाल करने चाहिए ताकि चाइना पाकिस्तान पर भी प्रेशर मेंटेन करे और पाकिस्तान रेडिकल एलिमेंट्स पर कार्रवाई करे। ना सिर्फ देखो ये पूरे रीजन के हित में है, बल्कि पूरे वर्ल्ड के हित में भी है। लास्ट में एक पॉइंट ये भी बोली जाती है कि इंडिया को लगातार पाकिस्तान पर भी प्रेशर मेंटेन करना होगा, क्योंकि देखो, पाकिस्तान के पास्ट रिकॉर्ड्स को हम देखें तो इससे लगता नहीं कि पाकिस्तान मसूद अजहर पर कोई कार्रवाई करेगा। हाफिज सईद और दूसरे जो मिलिटेंट्स हैं वो पाकिस्तान में खुलेआम घूमते हैं, और पाकिस्तान का डीप स्टेट, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की आर्मी, ये इंश्योर करती है कि उन मिलिटेंट्स को कोई नुकसान ना पहुंचे और वो बेरोकटोक इंडिया के ठिकानों पर अटैक कर सकें। तो इसलिए पाकिस्तान पर हमें लगातार प्रेशर मेंटेन करना होगा कई सारी डायरेक्शन से, जैसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा पाकिस्तान को अभी ग्रे लिस्ट में डाला गया है। हमें एक्टिव डिप्लोमेसी की सहायता से ये इंश्योर करना चाहिए कि पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ब्लैक लिस्ट में डाले। इस प्रकार के और काफ़ी सारे डिप्लोमेटिक स्टेप्स इंडिया को लेने होंगे ताकि लगातार पाकिस्तान पर जो प्रेशर है वो मेंटेन रहे और पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ आतंकवादियों को शरण देना बंद करे। चलते हैं आगे। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।